गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम शेयर मार्केट का गुरु ज्ञान में फ्रेंड्स देखते हैं एक स्ट्रेटेजी, दैट इज़ फैक्ट, टैक्ट एंड एक्ट फॉर क्वार्टर टू। द वेरी फैक्ट मैं क्वार्टर टू की बात कर रहा हूँ, इसके मतलब है कि जो रिजल्ट सीजन है वो क्वार्टर टू का जो है वो एक्ट वो स्टार्ट हो चुका है। और अब देखते हैं कि ये जो फैक्ट, टैक्ट, एक्ट जो स्ट्रेटेजी है, इसको फ्यूचर के लिए इसको कैसे यूज़ किया जाए। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है आप एक फैक्ट को एस्टेब्लिश करिए कि ये जो मेरे को मालूम है ये फैक्ट है। फिर एक टैक्टिकल मूव के लिए तैयार हो जाइए और जब मौका आए तो फिर आप जो है एक्ट करिए। पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली पैसा जो है वो आपके पास आ जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि हम जो हैं रिज़ल्ट सीज़न के अंदर ऑलरेडी खड़े हुए हैं, दो तीन कंपनीज़ के जो हैं रिज़ल्ट्स छोटी छोटी कंपनियों के आ भी चुके हैं। तो ये जो रिज़ल्ट्स का जो सीज़न है इसमें सुबह 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक मॉर्निंग में जी बिजनेस के ऊपर या CNBC आवाज़ जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वहाँ पर ये रिज़ल्ट जो हैं उसका आउटकम क्या है ये जो बिज़नेस चैनल्स हैं ना ये बताना चालू कर देते हैं। इसके अलावा और भी चैनल्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पर कि जो रिज़ल्ट हैं वो कैसे रहे वो बताते हैं। और ये जो है इसको फिर फॉलो अप होता है, जनरली फॉलो अप होता है कि जो ब्रोकिंग बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज हैं वो भी इन जो शेयर्स हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम जो रिज़ल्ट्स हैं फिर ये जितने भी रिज़ल्ट्स आते हैं ठीक है ना, बिज़नेस चैनल्स जो हैं, तो हमको चूज़ क्या करना है। हमको चूज़ दो तरीके के शेयर्स हैं। एक तरीके के जो स्पेशली जो बिज़नेस चैनल बताते हैं उनकी जो वर्डिंग होती है वो बोलते हैं बीटिंग स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। इसको मैं बोलता हूँ मेन शेयर्स, जो कि जो बिज़नेस चैनल सोचते हैं उनकी जो इवैल्यूएशन होती है उससे भी रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हैं। और दूसरे होते हैं बॉयज़ एज पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। और थर्ड जो होते हैं वो अदर्स, जिनके रिजल्ट्स ख़राब होते हैं या जो चैनल्स हैं उनके रिज़ल्ट बताते ही नहीं, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि जो उनके रिजल्ट्स को टीवी में बताया जाए। तो फ्रेंड्स, हमको क्या चाहिए, हमको ये वाले शेयर्स जो है ना, बॉयज़ वाले शेयर्स नहीं चाहिए, बीटिंग द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन वाले शेयर चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि बीटिंग ये जो शेयर्स हैं दे आर बेटर दैन द बेस्ट। और ये जो शेयर्स हैं सब मिला के कितने शेयर्स होते हैं, ये नॉट मोर देन से 55 to 60 शेयर्स, ठीक है ना, 3 महीने के अंदर। तो बस आप जो है इनको रोज़ सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में जो है जब खबरों वाले शेयर बताते हैं उस टाइम बीच में आ जाते हैं, ये आप इनको नोट करते चलिए। और एक बार जब आपने इन जैसे जैसे ये जो शेयर्स हैं उनको आप नोट करेंगे, उसके बाद जो है इन्हीं शेयर्स के अंदर आपको इंट्राडे भी करना है, इन्हीं के अंदर स्विंग करना है और इसी के अंदर पोजिशनल ट्रेड भी करनी है। और हर 3 महीने के अंदर जो है ना इसको रिव्यू करना है। पोजिशनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई शेयर्स हैं जैसे HDFC ग्रुप के शेयर्स हैं या कुछ L&T के शेयर हैं या रिलायंस के शेयर हैं, वो तो पिछले 1.5-2 साल से जो हैं हर बार जो शेयर जो हैं ये बेटर देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन इनकी परफॉर्मेंस रहती है, तो वो पोजिशनल ट्रेड के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने ये शेयर्स एस्टेब्लिश कर लिए कि कौन से शेयर्स फैक्ट, अगर आपको पता लग गया कौन से शेयर हैं जो विच आर मैन या विच आर बेटर देन द बेस्ट, फाइन, उनकी आप एक लिस्ट बना के आप उसके अंदर जो है जो शेयर्स हैं उनको ट्रेड करिए। और ऐसा मेरा मानना है कि इसको जब भी ट्रेड करेंगे तो जैसे आप इंट्राडे कर रहे हैं उसको ट्रेड, तो इंट्राडे हमेशा आप सपोर्ट के ऊपर ही इसको ट्रेड करेंगे।
बीच में घुसने का कुछ मतलब नहीं है, पैसा चला जाएगा एकदम. सो इंट्राडे करना है तो सपोर्ट के ऊपर, और ये जो सपोर्ट जो स्मॉल शॉर्ट टर्म इंट्राडे शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है ना, ये सब जो है दिखती हैं उसके अंदर जो चार्ट्स हैं, इंट्राडे चार्ट में भी दिखती हैं, लेकिन एंट्री के लिए आपको वन डे चार्ट में देखना पड़ेगा कि जो जैसे से फॉर एग्जांपल आज ICICI बैंक का शेयर है उसका 391 का जो है सपोर्ट प्राइस, इट इज़ वेरी गुड. तो इसी तरीके से आपको हर शेयर का फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका सपोर्ट प्राइस क्या है, और सपोर्ट प्राइस के ऊपर अगर एक बार आता है तो फिर आप उसके ऊपर इंट्राडे करिए. 10-12 आपके पास शेयर हैं, रोज़ आपको एक दो शेयर जो है मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, 2% आप मार्जिन कमाइए और आप बाहर निकल जाइए. इसके अलावा फ्रेंड्स जो सेक्टर्स हैं, एक तो शेयर्स कौन से बेस्ट हैं, हर सेक्टर में मतलब से आज करीब 74-75 सेक्टर्स हैं टोटल मिला के. इसमें जो आईटी सेक्टर्स के जो शेयर हैं आप चुन लीजिए, क्योंकि ये आजकल के फ्लेवर के अंदर हैं, कंजम्पशन जो है ये फ्लेवर में है, इंश्योरेंस का फ्लेवर है, ठीक है ना. और दूसरा ये जनरल के अंदर जो आ जाते हैं, ये इंश्योरेंस के अंदर तो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ है आपका, ICICI लोम्बार्ड है, ICICI प्रूडेंशियल है, SBI लाइफ है, सब बेहतरीन शेयर हैं. MCX जो है वो मिक्स के अंदर आ जाएगा, कंजम्पशन के अंदर आपका बाटा आ जाएगा, पेंट इंडस्ट्री आ जाएगी आपकी, कॉलगेट पामोलिव आ जाएगा, मेरिको ब्रिटेनिया वगैरह आ जाएंगे. और IT के अंदर दो शेयर जो बेस्ट है हमेशा, दैट इज़ इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा जो है, सबसे रीजनेबल शेयर्स हैं. बहरहाल आप रिजल्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि विच आर द शेयर्स विच आर द बेस्ट एंड शुड बी ट्रेड. फ्रेंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो हैं एक लिस्ट बना के हमेशा रोज़ उसके जो चार्ट्स हैं चार्ट्स को देखिए, अगर सपोर्ट प्राइस मिलती है टेक एन एक्शन, अदरवाइज यू कैन गो इन फॉर ए पोजिशनल ट्रेड ऑल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर वन. नंबर टू, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि MACD जो है, MACD के ऊपर जो है आप बाय, और MACD के नीचे के क्रॉस ओवर के ऊपर आप जो है यहाँ पर आप बाई करिए, सेल यहाँ पर आपको प्राइस मिल जाएगी, यहाँ पर बाइंग प्राइस, यहाँ पर आपको जो है सेल प्राइस मिल जाएगी, तो आप MACD के हिसाब से बाई सेल करिए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे. फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अगले दिसंबर तक 20-25-30% तक का जो मुनाफा है आप कमाइए. आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू अर्न द मनी. शेयर मार्केट में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, फैक्ट एस्टेब्लिश करिए, टेक्टिक करिए, और उसके बाद एक्शन लीजिए, यू विल मेक द मनी. थैंक यू वेरी मच.